जाकर दूर, हमने किया मजबूर, आंसुओं के ताने बाने से होकर थोड़ा दूर दूर, हमारे साथ चलो सिंगापुर। ये शब्दों की भूल भुलैया नहीं बल्कि रियलिटी है मेरे दोस्त, तेरे लिए की तानी मॉडर्न शॉर्टन बनके टिप टॉप तरीके से सास बहु और साजिश के साथ पहुंची सिंगापुर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू रिवैम्प्ड शॉर्ट ड्रेस में अनुप्रिया कपूर, जो आज शायद अपने ताने के इमेज से बाहर आकर ही माने। सास बहू और साजिश के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त हूँ सिंगापुर में और मेरे साथ है एक खास मेहमान। हाय, मैं हूँ अनुप्रिया, आप सबकी तानी, और मैं कराने वाली हूँ आपको इस स्पेशल एपिसोड में सिंगापुर की सैर। तो चलिए, हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं तानी? हम लोग अभी सेंटोसा रिजॉर्ट घूमने जा रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे कास्ट एंड क्रू के साथ। नो कास्ट, सॉरी, ओनली क्रू के साथ। और हम दोनों सुपर एक्साइटेड हैं। Exactly. तो चलते हैं। चलिए चलिए मैडम, स्टूडियो जाने का वक्त आ गया है। अनुप्रिया, आपने यही सोचा होगा ना कि हम सिंगापुर में लैंड होते ही स्टूडियो और शूटिंग का नाम क्यों लेने लगे? टेंशन नहीं लेने का, शूटिंग तो होगी भैया, मस्ती वाली शूटिंग होगी, जहां आपके नए सीरियल के नए को स्टार की कास्टिंग भी कर लेंगे और सिंगापुर में न्यूली ओपन यूनिवर्सल स्टूडियो की सैर भी हो जाएगी। जरा गौर से देखिए, ये सड़कें, ये दुकानें, ये नज़ारे, ये सब के सब नकली हैं। जी हाँ, ये शूटिंग वाला सेट है, जहाँ नजर दौड़ाएंगे वो सेट ही है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यूनिवर्सल स्टूडियो के बीचों बीच खड़े हैं और ये किसी बॉम्बे के मूवी सेट से कम नहीं लग रहा है। और इसको देख के मुझे मेरा फर्स्ट शो याद आ गया, जब मैंने पहली बार सेट देखा था तो मुझे पता नहीं था कि जो वॉल्स हैं और सब कुछ है वो सब कार्डबोर्ड की और नकली है। मुझे बाद में पता चला कि ये सब असली नहीं है और नकली है, और यहाँ भी कुछ कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही है, जबकि यहाँ सब असली है लेकिन सब कुछ इतना इतना ग्रैंड है और इतना फिल्मी है कि फिल्म सिटी या अपने 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 शूट के सेट्स को याद करे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक आर्च बना हुआ है ब्लैक कलर का, और साइड में आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही माइन्यूट वर्क भी है और ब्रिटिश एंड वेरी रॉयल। यूनिवर्सल स्टूडियोज में आपको जुरासिक पार्क भी दिखेगा और अलादीन की जादुई नगरी भी। आप यहीं डिज्नीलैंड का मजा भी ले सकते हैं और हाँ, कुछ स्कैरी भी देखने को मिलेगा। सपनों की नगरी जैसे दिखने वाले इन स्टूडियोज में अनुप्रिया को एक डराने वाला शख्स भी मिल गया। सीरियल की भाषा में कहें तो बॉस, ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जो हमारी सीरियल की इस बहू को डराने आया है और कुछ नहीं। मैं तुझे करता हूँ काबू। जहाँ जहाँ सीरियल के सितारे, वहाँ वहाँ मिल जाते हैं उनके फैंस। अब बताइए, अनुप्रिया को क्या पता था कि दूर परदेश में भी उनको उनके फैंस मिल जाएंगे और उनके ढेर सारे सवाल भी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। यहाँ के कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप टू सिंगापुर, और यहाँ आके भी पता चलता है कि हमारे शो की रीच कितनी थी कि यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ के सिटीजन भी हमें पहचानते हैं। एंड दिस एक्चुअली ये और एक प्रेशर है हम पे कि हम और हार्डवर्क करें और अपनी ऑडियंस को और एंटरटेन करें। एक मिनट, आप दूसरे कौन से सीरियल में आने वाली हैं जल्दी, जो हम आपको देख सकें? अभी फिलहाल टाइम है थोड़ा, तो जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा, यही लोग आपको बता देंगे। हर जगह बस एक ही सवाल, सीरियल की दुनिया में वापस कब आएंगी अनुप्रिया? चलिए आज हम ही ये जिम्मा उठा लेते हैं, एक काम करते हैं, एक सीरियल ही बना डालते हैं। और हीरो हीरो ये कैसे रहेंगे? केमिस्ट्री भी बढ़िया है और लड़की को लड़का भी पसंद आ गया है। मेरा
ये मोटू मुझे बहुत क्यूट लग रहा है और अगर इस साइज में थोड़ा सा भी छोटा तो मैं इसे घर ले जाती अपने बैग में डालूंगी। एक काम करेंगे, इस लड़के को सीधा इम्पोर्ट करके इंडिया ले जाएंगे। सुशील लड़के बार बार नहीं मिलते, आप तो बस जाइए जाइए और तैयार होकर आइए एक हसीन शाम के लिए, जहाँ रिलैक्सेशन भी होगा और एक नई लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तेरे लिए स्टाइल छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की देखी है हमने, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छपा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। ब्लैक एंड येलो सिल्क ड्रेस में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में एक बीच पर छई छप छई करती इस लड़की को फाइनली सेट से छुटकारा मिल ही गया, क्योंकि यहाँ सिंगापुर के बीच पर वो शाम को रिलैक्स करने आई है। हेलो, अब मैं आपको लेकर आई हूँ सिलोसो बीच पे, जो सेंटोसा के अंदर ही है, बस एक मिनी रेल से कनेक्टेड है। मैं यहाँ रिलैक्स करने आई हूँ, मेरे पैर बहुत थक गए हैं, तो अब मैं यहाँ व्हाइट सैंड पे आराम से वॉक कर रही हूँ अपने जूते हाथ में लेके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पैर बहुत फुट मसाज जैसा लग रहा है, मुझे स्पा जाने की जरूरत ही नहीं है, फुट मसाज लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी रेत पे थोड़ी देर चलूंगी तो पैर अपने आप ठीक हो जाएंगे, और काफ़ी साफ सुथरा बीच है और यहाँ की सैंड व्हाइट कलर की है जो बॉम्बे में देखने को नहीं मिलती है। वर्सोवा है, जुहू है, बैंडस्टैंड है, पर हर जगह का अपना अलग मजा है। ये क्या अनुप्रिया, आप तो सिंगापुर के बीच को मुंबई के मड आइलैंड बैंडस्टैंड से कंपेयर करने लगी। नाउ दैट्स नॉट फेयर। हाँ, कहाँ मुंबई की बीचेस और कहाँ ये सिंगापुर का ब्यूटीफुल सा बीच। बीच बीच छोड़िए, अब जरा उनके पास चलते हैं जिनके बीच प्यार परवान चढ़ चुका है। लव स्टोरी इस डेकेड की सबसे कार लव स्टोरी, सबसे अजब गजब लव स्टोरी, दो पंछियों की प्रेम कहानी जो तानी ने देखी सिंगापुर में। आज इस लव स्टोरी को हम और अनुप्रिया आपको सुनाएंगे तेरे लिए स्टाइल। ये क्रेन्स जो है सडनली दो बर्ड्स के रूप में तब्दील हो गई है। पहचानिए, इस पक्षी का नाम शायद अनुराग है और ये आप ही है ना तानी जी। दोनों ने एक दूसरे को देखा है, प्यार हुआ है, इकरार हुआ है और फिर ये दोनों पंछी साथ साथ उड़कर चले गए। मिल गए, दोनों उड़ गए एक साथ, अच्छा ही हुआ। हैप्पी एंडिंग टू अ लव स्टोरी। जरा गौर से देखिए, ये लव स्टोरी थोड़ी सी अनूठी है, क्योंकि पक्षियों को बड़े बड़े क्रेन्स के सहारे से बनाया गया है और फिर लेजर टेक्निक के साथ इसे एक खूबसूरत लव स्टोरी भी बनाया गया है। आप इस लव स्टोरी का मजा लीजिए और हाँ, आपके साथ हम भी लेते हैं। यहाँ नहीं आती तो देख नहीं पाती कि ये कितना खूबसूरत है। तो फाइनली सेंटोसा रिजॉर्ट में इस दिन का, जो इतनी खूबसूरती के साथ शुरू हुआ था, अंत भी उतना ही खूबसूरत हुआ है, इतने कलरफुल रोमांटिक लव स्टोरी के साथ, जो बेसिकली एक क्रेन शो था लेकिन दो बर्ड्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली एक बर्ड को दूसरी बर्ड से कैसे प्यार होता है एंड देन वो कैसे उड़ जाते हैं हवा में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए। ये स्टोरी ये थी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी और कुछ नया नहीं था, बट द वे दे प्रेजेंटेड इट और जो कलर्स यूज करे हैं, जो ग्रैंडर है, आई मीन इट्स अमेजिंग। मतलब मेरी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थी, मैं कंटिन्यूसली इसको देखे जा रही थी और कुछ बोलना मुझे याद ही नहीं था।